बेस्ट जीरो रिकॉल सेंसिटिविटी पबजी एंड बीजीएमआई। तो फाइनली कुल मिलाकर आ चुके हैं एक कोर्नी गेमप्ले वीडियो के साथ वापस। अब यार काफी टाइम से तुम्हारा भाई वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा था, अब उसके पीछे कोई बड़ा सा एक रीजन है जो कि मैं आपको कभी फ्री टाइम में जरूर से बताऊंगा। फिलहाल देखो यार, मैं अभी पिछला वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सैम भाई हमको आई क्यू न्यू 6 का सेंसिटिविटी चाहिए, तो इस बात पे सोच के मैंने यार देखो वापस से कमबैक किया आई क्यू न्यू 6 के ऊपर और भाई आपके लिए लेके आ गया सेंसिटिविटी। अब उसके साथ साथ मैं देखो सेंसिटिविटी तो आपको दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जिससे कि देखो अभी बीजीएमआई का नया अपडेट आने वाला है तो आपको फिर से अपडेट सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ेगी। तो यार ये चीज़ तो आपको पता है, जब भी अपना अपडेट आता है अपनी सेंसिटिविटी में कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है, खास करके एंड्रॉइड वालों के साथ में। तो यार देखो जब भी अपडेट आता है मैं सेंसिटिविटी तो आपको दे ही देता हूँ फिलहाल, लेकिन मैं आज आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिससे कि सुनने के बाद आपको कभी भी कोई सेंसिटिविटी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी भी तो तुम्हारा भाई बैठा है। बाकी मैं तो समझाऊंगा, मुझे पता है आज के बाद आपको कोई सेंसिटिविटी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद की सेंसिटिविटी खुद जोर से बना लोगे। तो मैं वो चीज़ बताऊंगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज़ मैं समझा के जाऊंगा। और प्लस बात की देखो IQ Neo 6 हो या IQ Neo 7 Pro हो, तो मेरे भाई देखो कोई सा भी डिवाइस हो सब में बहुत बढ़िया काम करने वाली है। एंड्रॉइड कोई सा भी हो, आपका लो एंड डिवाइस हो आपका हाई एंड डिवाइस हो, सब में काम करने वाली है। और मेरी सेंसिटिविटी मैंने आपको अभी अपने इंट्रो में देख ही लिया है, तुम्हारे भाई के स्प्रे और तुम्हारे भाई की लॉन्ग रेंज तो तुमको पता ही है कितनी तगड़ी होती है। और क्लोज रेंज तो मैं अभी आपको जस्ट दिखाने वाला हूँ जब मैं आपको सेंसिटिविटी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ मेरी फाइट्स भी दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता भी लगेगा कि भाई मेरी सेंसिटिविटी कितनी जोड़ काम करती है और क्लोज रेंज में कैसे काम करती है। तो सबको सेंसिटिविटी दूंगा, लेकिन जो सेंसिटिविटी में मैं कुछ बातें बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, बस वो सुनने के बाद आपकी सेंसिटिविटी गॉड लेवल काम करने वाली है और मेरे भाई क्लासिक में आप एकदम तबाही मचाने वाले हो जैसे कि अब तुम्हारा भाई मचाने वाला है। अब देखो मैं यहाँ पे उतरता हूँ और उतरते ही भाई मैं दो बंदों को निपटा देता हूँ। अब इधर आता हूँ तो इधर भी भाई एक दो बंदे होते हैं जिनको कि मेरा टीममेट निपटा देता है। अब इधर से मैं सीधा इधर आता हूँ और भाई यहाँ पे क्या ही फाइट हो रही थी, अब इन बंदों को देखना क्या ही निपटाऊंगा। सामने एक बंदा दिखा और अब देखो उसको कैसे निपटाते हैं। मुझे भी लेके चलो, कहाँ से जा रहे हो? अब जैसे भाई इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ भाई, मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ से किल आने वाले नहीं है, तो मैं पीछे चल जाता हूँ और इतने में देखो ये नहीं बच पाया यार। अब यहाँ पे इसका एक बंदा पता नहीं रश कर रहा था, अब ये वो बंदा था या बोट मेरे को पता नहीं, मुझे कमेंट में बताना, लेकिन इतने में मेरा टीममेट इसको फिनिश करता है। मैं फटाफट आके पेटी लूटता हूँ और भाई मैं करता हूँ इन पे रश, और अब देखो बस ये वाली फाइट अब मजा आने वाला है। सॉरी यार अब जैसे इस बंदे को नॉक किया तभी हमको पता था भाई यहाँ पे तीन चार बंदे हैं, तो बिना वेट किए भाई इन पे कर देते हैं रश और भाई नेड बोली भी साथ में ट्राई कर लेते हैं। तो देखो इनको कैसे निपटाते हैं यहाँ पे। मैंने नहीं पटका भाई, मैंने तो ऊपर पटके हैं दोनों, वो बंदे ने फेंक दिया होगा या तो मेरे पास तो दो थे, दोनों देख लो दोनों ऊपर हो रखे हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे भाई खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारा ना, मतलब कि भाई मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत की, इतना बंदों को डैमेज दिया और भाई किल आखिरकार मेरे पे नहीं आया। अब खैर कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको मैं इस मैच की सबसे लास्ट फाइट दिखाता हूँ और भाई वो बड़ी इंटेंस फाइट और बड़ी खतरनाक होने वाली है जिसमें कि आपको बहुत मजा आएगा, और उसके बाद मैं आपको फिर सेंसिटिविटी दिखाता हूँ। अब लास्ट फाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी और बहुत इंटेंस फाइट होने वाली है, तो देखना जरूर। चलो सीधा आपको फाइट दिखाता हूँ मैं, अब वहां से निपटा के हम सब कुछ इधर आते हैं, तभी मेरे को यहाँ पे आते एक बंदा दिखता है।
अब ये भाई कौन से लेवल के नशे कर रहा था मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे इसको यहाँ पे निपटाता हूँ और भाई असली इंटेंस फाइट के मजे अब आने वाले हैं जिसके की मैं बात कर रहा था। इसको निपटाते हैं, यहाँ पे भाई ढेर सारे बंदे आते हैं और भाई मेरे टीममेट जैसे आते हैं तभी देखो यहाँ पे क्या ही फाइट होगी। अब मेरे को देखने के बाद टीममेट भाई ज्यादा ही जोश में आ जाता है जिसका कि नतीजा आप देख ही सकते हो। अब ये बंदे बहुत अच्छा खेल रहे थे, बस यहाँ पे फाइट देखो आप और फाइट के मजे लो और उसके बाद फिर मैं आपको सेंसिटिविटी देता हूँ। बंदा आ गया वेयरहाउस में, गए जब कुछ जाऊंगे मैं वेयरहाउस। अब यहाँ पर आप मेरी हालत देख ही सकते हो भाई क्या ही हो रही थी। अब यहाँ पे भाई दोनों तीनों तरफ बंदे थे तो भाई हालत होना ऐसी तो बनती थी, लेकिन अब ये जो नेड आया आपने अभी आवाज सुनी, एक बंदा भाई वेरा उसकी छत के ऊपर है और भाई वो इतना परेशान करता है जिसकी हद नहीं है। बस देखते जाओ यहाँ पे क्या ही जिंदगी खराब हमारी होने वाली है, बस देखते जाओ आप। अरे यार जहाँ दूर गया हूँ वो नेड आ गया। ऊपर है, ऊपर ऊपर है, छत पे, थोड़ा छत पे और ऊपर मौली फेंका। इधर आ जाओ, इधर कवर में अंदर आ जाओ। मौली में चल गए। अब सच में भाई इस बंदे ने इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया था कि भाई इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अब जैसे तैसे मैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देता हूँ और अब इसकी जिंदगी खराब करनी मेरी बारी थी। तो अब देखो भाई इसको कैसे निपटाता हूँ, फटाफट यहाँ पे जल्दी से रिवाइव देता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ और करता हूँ भाई इस पे सीधा रश। येल्लो भाई खोदा पार निकली चुहिया और बगली है भैया। खैर देखो यहाँ पर हम इसको पकड़ लेते हैं। अब आप लोगों को ये मेरी क्लोज रेंज फाइट और आपको लॉन्ग रेंज फाइट कैसे लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये वाली आपको इंटेंस फाइट कैसे लग रही थी। खैर देखो ये तो कुछ भी इंटेंस फाइट नहीं थी जो कि अब मैं लेके आने वाला हूँ, और जो मेरे गेम प्ले पुराने वाले थे 20-20, 30-30 किल वाले वो मैं अब वापस से लेके आने वाला हूँ। तो यार देखो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं किया लाइक कर लेना। अब आपको मैं लेके चलता हूँ अपनी सेंसिटिविटी की तरफ। तो येल्लो भाई से ओपन आ जाते हैं अपनी राजदुलारी गॉड लेवल सेंसिटिविटी की तरफ। लेकिन सेंसिटिविटी दिखाने से पहले बता दूं कि सेंसिटिविटी बताने के बाद आपको दो तीन बातें मैं बताऊंगा जो कि आपको ध्यान से सुननी है, तो वो बात बताऊंगा ध्यान से सुन लेना। अब खैर देखो ओपन आते हैं अपनी सेंसिटिविटी की तरफ। तो ये लेंस सेंसिटिविटी है नॉर्मल नॉन जायरो प्लेयर के लिए सेंसिटिविटी, तो मेरे भाई ध्यान से सुन लेना जो मैं सेंसिटिविटी आपको दिखा रहा हूँ। एडिटेड ऐसे की ऐसे कॉपी कर लेनी है, बिल्कुल भी इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो मैं दे रहा हूँ बस यही की यही कॉपी कर लेना, जैसे कि जैसे इसमें दिख रहा है वैसे के वैसे सेम कॉपी कर लेना आपका बीजीएमआई खोल के। एंड जो लो एंड डिवाइस हो तो भाई वो हर एक सेंसिटिविटी के अंदर दो दो तीन तीन पॉइंट कम कर लेना। अगर आपका थोड़ा सा 40 या 60 एफपीएस डिवाइस है तो आप थोड़ा थोड़ा कम कर लेना तो आपका बिल्कुल एकदम मस्त काम करने वाला है, बट करना बिल्कुल एजिटेड ऐसे के ऐसे ही है। सेपरेट सेंसिटिविटी जो ऊपर है वही नीचे रख लेना और एकदम सेम टू सेम कर लेना। तो भाई ये तो हो गई नॉन जायरो प्लेयर वाली बात। अब आ जाते हैं अपन अपनी जायरो प्लेयर में जो कि भाई गॉड लेवल होने वाली है। तो मेरे भाई देखो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम करना है। टीपीपी नो स्कोप आपको 340 रखना है, टीपीपी नो स्कोप एफएपी नो स्कोप आपको 382-390 रखना है, रेड डॉट आपको 300 रखना है, और 2x आपको 180-190 के आसपास रखना ही रखना है। उसके बाद अपन आ जाते हैं 3x के ऊपर, 3x आपको 280-290 रखना है जैसा कि आपको सही लगता है, मेरे हिसाब से 390 रखना। 4x आपको 270 नेट रखना है, और 6x आपको 90 रखना है, 8x आपको 54 रखना है। ये आपको एजिटेड ऐसे के ऐसे ही रखना है। उसके बाद सेपरेट सेटिंग में क्या है जो ऊपर है वही नीचे नीचे रखना है, और सेंसिटिविटी जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रखना, एक दो पॉइंट जो मैंने बताया वो ऊपर नीचे कर लेना, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ अपनी सेंसिटिविटी सेम बढ़िया कैसे काम करने वाली है। IQ Neo 6 हो या IQ Neo 7 Pro हो या फिर IQ ऊपर तो नहीं जाऊँगा, IQ का कोई मैंने दो डिवाइस यूज़ किए हैं, दोनों में बहुत बढ़िया काम करता है, और मेरे फ्रेंड के पास Redmi Note 8 Pro है उसमें भी यही काम करता है।
तो मेरे हिसाब से मैंने दो तीन फोनों में चेक करके देखा है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने दो तीन बंदों को दिया है मेरे जानकार, तो उनमें बहुत बढ़िया काम करता है, तो बहुत ही तगड़ा चलता है। तो मेरे हिसाब से बस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या क्या है आपको। अब देखो, जब जब मैंने सेंसिटिविटी सभी लोगों में दी है, मतलब अपने चैनल के ऊपर जब भी मैंने सेंसिटिविटी डाली है, तो मैंने सब बंदों को एक एक बात समझाई है और उन्होंने मानी है, और आज उनकी सेंसिटिविटी बहुत तगड़ी काम करती है। तो आप मेरे कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में देख लेना, वो यही बात बोलेंगे कि सैम भाई आपकी सेंसिटिविटी गॉड लेवल है। नहीं मानो तो एक बार कमेंट जरूर से चेक कर लेना। अब देखो वो कैसा है, देखो आप जब भी सेंसिटिविटी मेरी लोगे तो मेरे भाई देखो आपको ये नहीं है कि आप सेंसिटिविटी ले रहे हो तो आप एकदम से जाके यूज करोगे और आप गॉड लेवल जाके खेलने लग जाओगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे भाई मुझे पता है कई लोग ऐसा होता है कि अभी जैसे मेरा वीडियो देखा, सेंसिटिविटी यूज किया और उसके बाद गेम खेलने गए, एक दो बार मरे और बोले अरे यार ये काई का सेंसिटिविटी है, किसी और का वीडियो देखता हूँ। तो मेरे भाई आप ऐसे लगभग 100 बंदों की वीडियो देख लोगे तब भी आप सेंसिटिविटी सेट नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले तो सेंसिटिविटी सेट करनी है, उसके बाद आपको कम से कम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर कम से कम 15 मिनट, भाई मैं ऐसा नहीं बोलूंगा 2 घंटे 3 घंटे, 15 मिनट तो आपको हर एक स्कोप की कम से कम 2-2 मिनट की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तब जाके आपका हाथ एकदम बैठेगा। और लॉन्ग रेंज में भी आपको टीडीएम, भाई जब आप क्लासिक खेलने जाते हो तो आपको 2 से 4 बार आपको कम से कम टीडीएम खेलना है, उसके बाद आपको क्लासिक में मतलब एकदम धैड़ पैड जाके मचाना है। तो समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब, आपको कम से कम ये करना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई आपको जब भी खेलो एक जगह बैठ के खेलो, ये नहीं भाई लेट के खेल रहा हूँ, खाना खाते हुए खेल रहा हूँ और पसर के खेल रहा हूँ, क्या ही बोलूँ, मतलब आपको एकदम बैठ के अच्छे से खेलना है, एकदम पिल्लो लेके, मतलब पिल्लो आलती पलती मार के गोदी में पिल्लो रख के खेलना है, जिससे कि आपको एल्बो एकदम सेट हो सके और आपका बैलेंस बन सके। फिर देखो मेरे भाई आप क्या ही खेलोगे, मतलब सेंसिटिविटी तो काम करेगी, उसके बाद भाई आपको भी करना पड़ेगा ना मेरे भाई, तब जाके सेंसिटिविटी अच्छे से काम करेगी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही हैं, ये सिर्फ मैं नए सब्सक्राइबरों के लिए बता रहा हूँ, जो भी नए लोग वीडियो देखेंगे उनको लगे भाई कि देखो सेंसिटिविटी मैं ले लूंगा और जाके एकदम गॉड लेवल बन जाऊंगा, तो नहीं भाई, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब आपकी सेंसिटिविटी काम करने वाली है। तो बस मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही था, मेरे को आपको सेंसिटिविटी देनी थी, तो आप सेंसिटिविटी यूज करना। अगर आपको सेंसिटिविटी कैसी लगती है, अगर आपको मजा आता है तो मुझे आके वापस से कमेंट करके बताना कि सैम भाई सेंसिटिविटी हमको मजा आ रहा है, या कोई भी दिक्कत हो तो भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि अगर सेंसिटिविटी पहली बात तो मुझे पता है 99% बेस्ट काम करने वाली है, तो आप लोग जाके मुझे कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि सैम भाई सेंसिटिविटी कैसी है। और अब गेम प्ले मतलब कि हाई किल गेम प्ले आने वाले हैं, तो चैनल में एक्टिव रहना, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी नहीं किया हो, तो वीडियो पर लाइक कर लेना और हो सके तो भाई शेयर कर देना किसी के काम आ सके सेंसिटिविटी वीडियो। एंड अपडेट आने वाला है तो आप समझ जाओ, अब एक से एक चीज़ें आने वाली हैं और तुम्हारा भाई भी एक्टिव रहने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना यार इससे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना मेरे भाई, लव यू, बाय, टेक केयर, बोलो भारत माता की जय।